नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके साथ फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आप शॉपिंग करते हो और वहाँ पर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपको ज़रूर से ये बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। हाल ही में हमने एक प्रोडक्ट को मंगवाया फ्लिपकार्ट पर और जब वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा, हमने उसकी अनबॉक्सिंग करी तो वहां पर हमें वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं, यानी कि वो जो बॉक्स था वो एम्प्टी था, वो ऑलरेडी सील उसकी ब्रोकन थी। उसकी फोटो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिला, ऊपर से जो सारी पैकिंग थी वो बिल्कुल ओके थी, लेकिन जैसे ही उसकी टेप को हमने अनरैप किया, उस बॉक्स को ओपन किया तो वहां पर उसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट मंगाया था वो है ही नहीं था। तो उसके बाद हमने तुरंत जो है फ्लिपकार्ट को कॉल किया और उनसे सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी कि इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचा है, यहाँ पर किस कंपनी का फॉल्ट है, किस सेलर का फॉल्ट है या फिर कोरियर बॉय का फॉल्ट है हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिला है, इस तरीके का इशू हमारे साथ हुआ है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट के जो एग्जीक्यूटिव थे, जो वहाँ के कस्टमर केयर थे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी जो रिटर्न है उसकी रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट कर ली है, वहाँ पर हमने नोट डाउन कर ली है, अभी आपको इंतज़ार करना होगा, हम अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से ये इशू रेज हुआ है, कहाँ से ये इशू जो है क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम ये आपको आई है, उसके बाद आपको इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपको 24 आवर है वेट करना होगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे अपडेशन मिल जाएगी कि आपको आगे क्या स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने 24 आवर वेट किया और उसके बाद कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिला, तो हमने दोबारा से कस्टमर केयर को कॉल किया और उनको बताया कि हमने 24 आवर यहाँ पे वेट भी कर लिया है और ये हमारे साथ इशू क्रिएट हुआ है, हमें प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, पैसे भी हमने ऑनलाइन ऑलरेडी पे किए हुए हैं, तो अभी उनका क्या होगा, हमें वापस से प्रोडक्ट मिलेगा या फिर हमारा रिफंड होगा या क्या होगा, जो भी है हमें बता दिया जाए। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से यही बोला कि आप 24 आवर और वेट कीजिए, हमारी जो टीम है ऑलरेडी इस इशू के ऊपर काम कर रही है, आपका प्रोसेस में है, तो 24 आवर और वेट कीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो हमने फ्रेंड्स अगले दिन फिर से वेट किया और 24 आवर होने के बाद भी हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद फिर से हमने एग्जीक्यूटिव को कॉल किया कस्टमर केयर को, तो उन्होंने बोला कि आपका ऑलरेडी केस जो है प्रोसेस में है, अभी आप थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो हमने उनको बोला कि हम ऑलरेडी 48 आवर्स वेट कर चुके हैं, आपने 24 आवर बोला था, तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर आप ऐसे ही वेट पे वेट करवाते रहोगे तो हमारा कोई भी सलूशन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, थोड़ा सा आप और वेट कीजिए। तो आप समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए हैं वो लगभग जो है 1300-1400 के आसपास प्रोडक्ट था, तो जिसने 1300-1400 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं उसका प्रोडक्ट भी नहीं मिला है और ऊपर से उसको सिर्फ वेट करने के लिए बोला जाता है, तो उस पर क्या बीती होगी, किस तरह की उसकी सिचुएशन होगी वो आप समझ सकते हो। लेकिन उनका यही कहना था कि सर आप वेट कीजिए, आपका सलूशन जो है हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने 3-4 घंटे के बाद देखा तो हमें एक मेल आया था जिसमें ये मेंशन था कि आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, आपकी पिकअप भी नहीं होगी और आपका जो रिफंड है वो बड़ी आसानी से प्रोसेस कर दिया गया है, आपको 24 घंटे में रिफंड जो है आपका मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से कस्टमर केयर को कॉल किया और वहाँ पे उनसे पूछा ये इंक्वायरी कि इस तरीके की हमें मेल आई है, अभी हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारा प्रोसेस होता है, आपको जो भी प्रोडक्ट मिला है उसकी अनबॉक्सिंग की आपको वीडियो या फिर उसकी फ़ोटो जो है आपको हमें देनी होगी, उसके अलावा जिस प्रोडक्ट को जिस व्यक्ति ने बाय किया था, यानी कि जो भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बाय करने वाला था उसका हमें आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रोडक्ट उसी व्यक्ति के पास ही आया है। तो एज ए प्रूफ हमें आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो इस तरीके का डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो हमें आप मेल कर दीजिए, तो उसके बाद ही जो है आपका रिफंड प्रोसेस होगा। तो उसके बाद हमने उनको जो अपना आधार कार्ड है उसकी कॉपी और प्रोडक्ट की फ़ोटो हमने उनको सेंड कर दी थी और विद इन 1 आवर जो है हमारा रिफंड जो है प्रोसेस कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स हमने ये अपने सारे सब्सक्राइबर को अवेयर करने के लिए और उनको ये बताने के लिए ये वीडियो ये हम बना रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन हो जाती है अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसे बाय करते हो और आपके साथ इस तरीके का अगर फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप सच्चे हो, अगर आपके पास वाकई में प्रोडक्ट नहीं मिला है तो आप जेन्युइनली उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जिस तरीके की आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दी जाती है उसको आपको फॉलो करना है तो आपका सोल्यूशन जो है 100% हो जाता है। अगर हम वहाँ पर उस मेल का, जैसे ही हमारे पास मेल पहुँचा कि आपका रिफंड हो जाएगा, रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, तो हम दोबारा से वेरीफाई ना करते तो हमने उनको ना ही अपना आधार कार्ड भेजना था, ना ही प्रोडक्ट की इमेज भेजनी थी, तो दोबारा से वापस से हमें 24 से 48 घंटे जो है वेट करना पड़ना था, उसके बाद ही हमें सलूशन मिलना था। तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमें उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं, उसके बाद हमारा रिफंड प्रोसेस होना है। तो जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट उनको भेजे तो विद इन 1 आवर ही हमारा रिफंड प्रोसेस हो गया और नेक्स्ट डे ही हमारे बैंक खाते में अमाउंट जो है क्रेडिट हो गई थी, कोई भी पिकअप नहीं हुई क्योंकि प्रोडक्ट हमें मिला ही नहीं था, तो खाली बॉक्स तो वो पिकअप करने से रहे। तो इस तरीके से हमें हमारा जो पैसा था वो वापस मिल गया था। तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑनलाइन अगर शॉपिंग करो तो फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइनली अगर आप जेन्युइन वेबसाइट से कोई भी चीज़ बाय करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मंत्रा हो गया, तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनसे अगर आप शॉपिंग करते हो तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो आपका सलूशन भी हो जाता है। घबराने की, चिंता करने की आपको कोई भी बात नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी अवेयर हो सके, उनको भी कुछ नई जानकारी मिल सके। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे हमारी जो आने वाली वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।